दंतेवाड़ा जिले में भूपेश बघेल सरकार की लगातार कोशिशों के बाद बीपीएल परिवारों के जीवन स्तर में सुधार आ रहा है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ भी मिल रहा है। प्रदेश के मुखिया और गरीब परिवारों के हितों की चिंता करने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गरीबी मिटाने के लिए हर योजना की शुरुआत दंतेवाड़ा जिले से ही की है। दंतेवाड़ा जिले में 48,574 परिवार ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जिनमें से लगभग 34,397 परिवार बीपीएल कार्ड धारक हैं, जो कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन आज भी करते हैं। इसलिए प्रदेश के मुखिया किसान पुत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा जिले की गरीबी को मिटाने के लिए ही दंतेवाड़ा जिले से ही अपनी हर महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की। गरीबी की समस्याओं का जड़ से खात्मा करने के लिए ही छत्तीसगढ़ को कुपोषण से मुक्त करने के अभियान की शुरुआत भी दंतेवाड़ा से हुई। बस्तर संभाग को मलेरिया से मुक्त करने की मुहिम का आगाज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा से किया और अब छत्तीसगढ़ के पिछड़े क्षेत्रों को गरीबी के दंश से मुक्त करने के लिए इसी जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। दंतेवाड़ा में पूना दंतेवाड़ा माड़ाकाल अभियान की शुरुआत हो चुकी है। पूना दंतेवाड़ा माड़ाकाल स्थानीय गोड़ी भाषा का वाक्य है, जिसका अर्थ है नया दंतेवाड़ा गढ़ेंगे। अक्सर लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। पूरे देश का औसत 22% है और हमारे दंतेवाड़ा जिला लगभग 60% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। मैं राहुल जी को केवल स्मरण दिलाना चाहता हूँ, जब आप यूपीए की सरकार थी और मनरेगा शुरू किया तो 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे से बाहर किया गया। आज छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया होने के नाते हमारे पूरे मंत्रिमंडल के साथ ही यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबके साथ ये संकल्प लेता हूँ कि हमारे दंतेवाड़ा जिला जो 60% से अधिक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, राष्ट्रीय औसत 22% है, इन चार वर्षों में उसे राष्ट्रीय औसत से भी कम गरीबी रेखा के नीचे हम लाएंगे और सबको गरीबी रेखा के ऊपर लाने का हमारा संकल्प है। दंतेवाड़ा जिले में करीब 70% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, जो कि राष्ट्रीय औसत 22% से बहुत ज्यादा है। छत्तीसगढ़ शासन इस जिले को देश के अति पिछड़े जिलों की श्रेणी से मुक्त करते हुए विकसित जिले की श्रेणी में ला खड़ा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नई कार्य योजना में वनोपजों की सही कीमत और पर्याप्त आय दिलाना उच्च प्राथमिकता में है। इस वर्ष सरकार ने 22 लघु वनोपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया है। खरीदी की ठोस व्यवस्था होने से अब 30 करोड़ रुपए के वनोपज की उचित दर प्राप्त होगी। नहीं कर देते, लेकिन अभी जो सरकार से ना ऐसे समूह में जुड़े हैं तो अच्छे अच्छे अपने अपने धंधा करते हैं, अपने अपने काम, इतना मतलब पैसा भी मिलता है तो अपने अपने हिसाब से अपने अपने लेकिन घर परिवार को अच्छा अच्छा सहायता लेकिन मिल रहा है। सरकार से अनुसार सब कुछ हम लोग को काम करने के लिए अपने अपने धंधा का हिसाब से पैसा कौड़ी मिल रहा है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। के माध्यम से ध्यान से जब से हम लोग जुड़े हैं तो मिलता है सर जी, ये मेरे उसमें इस ग्राम पंचायत बड़े कमेली की सोसाइटी में तो 412 राशन कार्ड है, बहुत ज्यादा होगा सर। मैं उसका वो तो नहीं, प्रतिशत तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं जानती हूँ अधिकतर शहर से लगा हुआ विलेज एरिया को कुछ उड़ी है, जो इंटर गांव है वहाँ भी स्व सहायता समूह का गठन किया जा रहा है। बट थोड़ा सा ग्राम के जो सरपंच है, मुखिया लोग है, वार्ड पंच लोग है, जैसे मैं चाहती हूँ कि कमेली का इमली मोवा टोरा जो लेना है वो समूह संग्रहित करे, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भांसी बाजार है, 4 किलोमीटर अंदर लोग इधर चले आते हैं। अगर ये भी हमारी महिलाएं स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई विलेज एरिया की औरतों के अंदर में एक वन उपज संग्रह का भी ग्राम पंचायत का सरपंच कुछ प्रोत्साहित करेगा कि आप लोग अंदर में मत जाइए, गांव का इमली है ना, जमली का तो इमली है,
वो खुद भी सदस्य हैं समूह की, तो वो क्यों ना अपने पेड़ का इमली को तोड़कर वो समूह में बेचें और समूह इकट्ठा करके बाहर बेचें, ऐसा हम लोग चाहते हैं सर। जो समूह के माध्यम से समय समय पर हमारे समूह के जो बड़े लोग होते हैं वो आकर और हमारे समूह के जो पदाधिकारी लोग हैं वो लोग आकर हमें गाइड करते हैं कि ये करना है सरकार आप लोगों के लिए ये ही योजना लाया है उसे करना वैसा करना करके, तो महिला हैं सही दिन से किसी से कर ले रही हैं और जहाँ तक का मुझे विश्वास है उम्मीद है कि ये महिलाओं के अंदर में कुछ ही दिनों में कुछ ही साल के बाद, तो ये तो नहीं बोल सकती कि 5 साल लगेगा हम लोगों को पढ़ाने के लिए, लेकिन बहुत जल्द महिलाओं के अंदर में अपने आप में ये तो आत्मविश्वास आगे करें। तो सही दिन को धन्यवाद देती हूँ जो कि हमारे हम जैसे महिलाओं के लिए इतनी अच्छी योजना गांव गांव में घर घर में महिलाओं को प्रेरित करने के लिए जो इसलिए मैं धन्यवाद जी। जैसे झांसी में एक समूह है कुंसिंग पार्क का निर्माण कर रहे हैं सर, और जो बड़े कम्युनिटी में तो आप सोसाइटी चला रहे हैं, और ऐसा समूह है जो मतलब सब्जी भाजी का धंधा भी कर रहे हैं, कोई ईंटा बना रहे हैं, ऐसा मतलब बहुत पूरे समूह कुछ न कुछ कर रहे हैं। हाँ मतलब एक महिला को 2-4-5 हज़ार से तो ज़्यादा ही इनकम हो जाती है सर। तो पहले ऐसा था सर कि गांव में महिलाएं घर में ही रहती थी, मतलब घर से बाहर नहीं निकलती थी, जब से समूह में जुड़े हैं तब से महिलाएं बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, मतलब आगे बढ़ने के लिए महिलाएं मतलब घर से भी बाहर निकले और काम भी किए, जो भी रोजगार मिल रहा है उसको मतलब कर रहे हैं सर। पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था, मतलब अपने हिसाब से धंधा करते हैं, जो सब्जी फल फूल बेचते हैं सब्जी भाजी बेचते हैं वैसे हिसाब से धंधा करते हैं, कोई समूह का हिसाब से जितना पैसा खर्चा होता है उससे मतलब हम लोग को उसमें से बचत पैसा जैसा मिलता है वैसे महीना में 1,000 रुपया निकल जाता है। बालू ग्राम पंचायत में 100 करोड़ रुपए की लागत से वनोपज प्रसंस्करण हब की स्थापना की जा रही है। इस पूरी योजना से 5,000 परिवारों को प्रति परिवार 25,000 रुपए की सालाना आय प्राप्त होने की संभावना है। दंतेवाड़ा से पंकज भदौरिया के साथ जगदलपुर से विकास तिवारी की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। लजीज बिरयानी और जायकेदार कबाब की तलाश अब होगी पूरी। भारत का सबसे प्रख्यात मुगलई वेज नॉन वेज रेस्टोरेंट करीम्स इंटरनेशनल अब आपके शहर रायपुर में, भविष्य भारम सोमवार 16 मार्च 2020। विजिट करें ग्राउंड फ्लोर सत्या कॉम्प्लेक्स नियर मरीन ड्राइव रायपुर।
छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय भूपेश बघेल सरकार ने नियम कानूनों में बदलाव कर सरकारी योजनाओं का लाभ बीपीएल परिवारों तक पहुंचाया, जिसके बाद परिवारों की आमदनी में इजाफा हुआ है। विभिन्न उद्योगों के लिए स्थानीय स्तर पर ट्रेनिंग भी दी जा रही है। दंतेवाड़ा जिले में 9,534 लोगों को वन अधिकार पट्टा प्राप्त है। भूपेश बघेल सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि इन लोगों की भूमि का सही उपयोग करते हुए मसाला, कोसा, मुनगा, कॉफी और वन औषधियों का उत्पादन किया जाए। इन प्रयासों से प्रति परिवार 30,000 रुपए की सालाना आमदनी होने की उम्मीद है। बांस के विदोहन और प्रसंस्करण से 28 गाँव के लगभग 1500 परिवारों के लिए रुपए की सालाना आमदनी सुनिश्चित की जा रही है। जैव विविधता पूंजी के निर्माण के लिए 143 ग्राम पंचायतों के 10वीं पास युवक युवतियों को प्रशिक्षण देकर 6,500 रुपए प्रति महीने प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है। सब्जी और फल उत्पादन से 387 किसान परिवारों को 40,000 रुपए की सालाना आमदनी प्राप्त हो रही है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अंकुर और अचार का निर्माण कर आय प्राप्त कर रही है। अभी दंतेवाड़ा जिला में जो आज के समय में जितने भी परिवार निवास रहते हैं उसमें लगभग 57% परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और राष्ट्रीय औसत लगभग 22% परिवार हैं जो बीपीएल की श्रेणी में आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा अभी जो एक घोषणा किया गया है कि भाई हम अगले 4 साल में दंतेवाड़ा जिले में जो लोग रह रहे हैं उनको विशेष कार्य योजना बना के नेशनल एवरेज से आसपास या उससे कम ले आएंगे। तो उसमें जितने भी ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं उनका हम लोगों के पास पहले से जानकारी है। वो जो अभी जो भी काम कर रहे हैं, कृषि है मुख्य कार्य यहाँ का, फिर वनोपज संग्रहण है, फिर पशुपालन है, फिर उद्यानिकी में है सब्जी उत्पादन और ये उद्यानिकी जो फसल है आम है केला उत्पादन है या उसी प्रकार से लेके, और फिर मछली उत्पादन है, फिर अन्य जो भी वनोपज संग्रहण के काम होंगे उनको हम लोग लेके लोगों को एक तो पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि वो खेती किसानी में जैसे सिंचाई की सुविधा है तो वो उपलब्ध कराएंगे, लोगों को फसलों की सुरक्षा के लिए तार बाड़ी यहाँ पहले से चल रहे मोचो बाड़ी के नाम से वो उपलब्ध कराएंगे, और जिन लोग वनोपज संग्रहण के काम करते हैं तो जो भी वो वनोपज संग्रहण करते हैं उसको समूहों के माध्यम से क्रय करके उनका फिर जो वैल्यू एडिशन है उनका करके उसको जो अतिरिक्त आय मिलेगा उससे निश्चित ही लोगों को आय में वृद्धि होगी। इसके अलावा जो वर्तमान में जैसा कि प्रारंभ कर दिए हैं जितने भी जिले में छात्रावास हॉस्टल आवासीय विद्यालय वगैरह है उसमें जो भी सामान लगते हैं बच्चों के उपयोग के लिए उसका सप्लाई करवाएंगे, और इसके अलावा अन्य जो भी काम लेने से लोगों के आय में वृद्धि होगी वो सब कार्य योजना बना के कार्य करेंगे और सभी की एक प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे। जो भी गतिविधियां हैं उसको उनके बैंक खाते के माध्यम से संचालित हो ताकि हम एक आकलन कर सकें कि लोगों को साल भर में